कटक बड़ डाक्तरखाना रे थिबा हृदपक्ष शल्य विभाग रे नूतन भाव स्थापित होईछि 9टी एक्मो मेसिन। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एहाको लोकार्पण करिछन्ति। पूर्व भारत रे एहा सबुठारु बड़ एक्मो यूनिट। गुरुतर करोना रोगीक पाई एही यूनिट बेस सहायक हेबो। सरकार एक्मो चिकित्सार समस्त खर्च बहन करिवे। विशेषज्ञ मत अनुजाई तृतीय लहरर संभावना थिबारु समस्ते कोविड नियम को कड़ाकड़ी पालन करिबाकु मुख्यमंत्री राज्यवासी को अनुरोध करिछन्ति। लहरर छोट पिलामाने अधिक आक्रांत होइपारंती, एणु छोट पिलामानंकु यथासंभव बाहर को न नेबाकु मुख्यमंत्री परामर्श देइछन्ति। एहा सह मास्क पिंधिबा, सामाजिक दूरता रक्षा करिबा ओ हात को बारंबार सफा करिबा उपरे आज मध्ये मुख्यमंत्री गुरुत्वारोप करिछन्ति। आज आमर कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रे 9टी एक्मो मशीन मुड़ीसा बासिंग को पाए डेडिकेट कॉलेज। ईस्टर्न इंडिया रे एहा सबुथरु बड़ एक्मो यूनिट। ओडिशारे सरकारी डाक्तरखाना मध्यरे भुवनेश्वर एम्सरे प्रथमे 2टी एक्मो मेसिन स्थापन करा जायतिला। अगस्ट 27 तारिखरे कटक बड़ मेडिकल रे 9टी अत्याधुनिक एक्मो मेसिन स्थापन करा जायछि। कोरोना समय रे फुसफुस संक्रमित रोगी पाई एक्मो चिकित्सा अत्यंत जरूरी, एणु गुरुतर कोरोना रोगी समेत फुसफुस और हृत्पिंड संक्रमित रोगी को एक्मो चिकित्सा पाई आउ राज्य बाहर को जीवा को पड़िबो नाही। गरीब रोगी को एससीबी रे संपूर्ण मागणारे एही चिकित्सा जगाइ दियाजिबो। एक्मो चिकित्सा पाई स्वतंत्र भावरे गठन करा जायतिबा डाक्तरी दलर परामर्शक्रमे एबे 5 जण गुरुतर कोरोना रोगी को एक्मो चिकित्सा सुविधा जगाइ दियाजिबो। एक्मो यूनिट परिचालना निमन्ते एससीबी रो 2टी दल प्रशिक्षण नैछन्ती। 9टी एक्मो मेसिन मध्यरु 6टी एक्मो वार्ड रे स्थापन करा जायछि, आउ 3टी आइसोलेशन सेंटर रे रखा जायछि। ए संपर्क रे अधिक सूचना देइछन्ती डॉक्टर मनोज कुमार पटनायक। एक्मो मेसिन जोटा को आमे कहूछे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, ओडिया रे एटा गोटे कृत्रिम फुसफुस बोली कहंती। ये जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन करा जीवो, जहाँ फुसफुस खराब थिबो तादरे लागिबो। एटा होची प्रथम थिला आम पाखरे जो एक्मो मशीन टा आसी, एटा लेटेस्ट वर्जन। एटा केवल फुसफुस नुह, एटा हृत्पिंड को भी किछि दिन पर्यंत संचालित करिकरी रखिपारिबो। तेणु करी जो रोगींकर फुसफुस खराब अछि किंबा हृत्पिंड खराब अच्छी किंबा उभय खराब अच्छी फुसफुस एवं हृत्पिंड, से रोगी निश्चित भाव उपादायक हम।